सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज सवाल बनाते हैं। TRNA 32 32वां कोड है। सवाल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर हम दे देते हैं, इसको समझिएगा और बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर 1 कहता है ए का 60%, ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, 3/4 है, तो ए अनुपात बी चाहिए। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हल करना है, सॉल्यूशन करना और कुछ नहीं करना। अनुपात मतलब होता है बटा, बटा आप कर लेंगे आंसर हो जाएगा। ए का मतलब गुना होता है, गुना कर लिए 60%, प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, बराबर बी का मतलब गुना 3/4। बस इसका सॉल्यूशन करेंगे 25 बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। ए आया उस तरफ से बी को ले हम आए, और या 25 है या 20 है, 5 × 20 = 25, ऊपर 5 चला जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, सिर्फ बटा आप कर लीजिए वही अनुपात हो जाएगा। इसी को बोलेंगे ए अनुपात बी बराबर 5/4, आंसर हो ये उत्तर हो। समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब आपका हो गया कि जब भी अनुपात आपको ज्ञात करनी है तो सिर्फ आपको बटा करना है, बटा कर लीजिएगा तो आपको आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अनुपात का मतलब ही होता है बटा, 5/4 ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है, डी नंबर यही आंसर ये उत्तर हो। चलिए सवाल को बढ़ाते हैं, सवाल आगे आप देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है। सवाल नंबर 2, दो नंबर सवाल आप देखेंगे, दो नंबर सवाल बनाना कैसे है लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। हम लिखते हैं बोर्ड पर दो नंबर सवाल, बोला जा रहा है x अनुपात y बराबर आपको दिया जा रहा है 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:0। तो हमको चाहिए x अनुपात z आपको चाहिए ये बताना है, तो x अनुपात z ये चीज चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करने, बस देखिए यहाँ पर x अनुपात y = 12:5, यहाँ z अनुपात y है, तो y अनुपात z कर सकते हैं, उल्टा हम कर सकते हैं, तो इधर भी उल्टा दिया 16:21, उलट गया, ये खत्म हो गया, इसको हटा दिया। तो हमको याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट का अनुपात जब कभी भी चाहिए। आंसर आपको पूछा क्या जा रहा है, x अनुपात z यानी फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू चाहिए ना, तो यानी x और z का अनुपात चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप बटा कर लीजिए, आपका आंसर होगा 12:5, मतलब अनुपात का मतलब बटा हो गया, और इसका भी मतलब बटा हो जाएगा, 16:21 हो गया। बस इसका सॉल्यूशन करना, आपका आंसर हो जाएगा। इसको 3 से कटा सकते 7 बार में, 3 से कटा सकते 4 बार में, अब उसके बाद और तो नहीं कटेगा, 64 हो गया, 64/35 यानी 64:35 आप 35 लिख सकते हैं, यही रिजल्ट होगा, यही आंसर, इतना ही काम करना आंसर हो गया, 64:35 ऑप्शन नंबर बी है, ये उत्तर हो गया। यानी कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट आपको जब कभी भी चाहिए तो सिर्फ आप बटा कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। और विशेष जानकारी के लिए हम क्लास में बताते हैं ये क्यों करते हैं, अभी आपको समझाना है, टाइम कम है, इस कारण से आपको तरीका हम सिखा दिए, तरीका को एक दो बार आप बनाइए और सीखिए और आपको याद हो जाएगा, आप बना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का था क्या, ध्यान दिए आपके स्क्रीन पर सवाल को हम लगा रहे हैं, सवाल नंबर 3 को, 3 नंबर सवाल और 4 नंबर दोनों आ गया है, सवाल नंबर 3 को बनाते हैं, 3 नंबर बोर्ड पर हम लिखते हैं। 3 नंबर सवाल कहा था यदि 2a = 3b तथा बोला 4b = 5c, तो हमको चाहिए a अनुपात c, ये चाहिए a अनुपात c चाहिए, तो कुछ नहीं करनी है, बस यहाँ 2a = 3b है, तो a इस तरफ से b को ले आए, और यहाँ नहीं कुछ तो 3 बच गया, और इस तरफ से 2 को भेज दिया, हो गया। तथा हम इसको लिख सकते हैं b इस तरफ से c आएगा, और यहाँ 5 छूट गया, ये 4 नीचे चला b बढ़ से, तो हमको चाहिए फर्स्ट और लास्ट। मैं अभी क्या सिखाएं, फर्स्ट और लास्ट का अनुपात जब भी पता करना हो तो सिर्फ ये दोनों का बटन लिखा ही है, तो बटन लिखा है तो सिर्फ गुणा कर लीजिए आप, 3/2 = 5/4, बस इसका सॉल्यूशन करेंगे 15/8 मतलब हो गया 15:8, यही रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा उत्तर, 15:8 समझ में आ गया, 15:8 आपका रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट जब कभी भी चाहिए सिर्फ बटा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 15:8, ऑप्शन नंबर कोई नहीं है,
आंसर आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा, सवाल नंबर तीन का नन ऑफ दिस हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर चार पर आते हैं, चार को हम बनाते हैं। सवाल नंबर चार आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हम लिखते हैं बोर्ड पर सवाल नंबर चार को। चार नंबर सवाल का आता है ए अनुपात बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:5, तो हमको चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ये टाइप अलग हो गया, ये रेशियो का सवाल है, ये टाइप अलग हो, कुछ नहीं कर रहा है, यानी दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स करनी है। यहाँ ए का मान 7 है और बी का मान 9 है, या बी का मान 1 है और बी का मान 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या दिखता है, तो बोलेंगे बी बराबर है, बी यहाँ पर भी है 9 और बी यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर बी का मान 9 है, बी का मान 1 क्यों है, 9 पुराना पड़ेगा, 9 पुराने के लिए आप किस चीज़ से गुणा करेंगे, इसमें 9 से गुणा करेंगे, ये 9 पुट जाएगा। अब तीनों को लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, हम लिख सकते हैं ए का मान 7 लिखा हुआ है तो 7 हम लिख देते हैं, बी का मान यहाँ से 9 लिखा हुआ 9 लिख दिए, और यह बी का मान 9 से गुना हो गया 1 में तो 9 लिखा हुआ अब दोबारा नहीं लिखेंगे, ये सी का मान 9 × 5 = 45 हो गया, बस यही रिजल्ट होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी आपका आंसर हो जाएगा, आपका 7:9:45 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही आंसर हो जाए, यही रिजल्ट होगा। सिर्फ आपको कारण क्या है, सिर्फ जो अल्फ़ाबेट दोनों में दिखता है उसके मान को बराबर करने के लिए कोई भी चीज़ से आप गुना कर सकते हैं, गुना कर लीजिए आपका रिजल्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं करनी है, गुना करके आप लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लगा रहा है, सवाल नंबर पाँच को देखिए। पाँच नंबर सवाल कहता है, पाँच नंबर सवाल को हम बनाते हैं, सवाल कम देते हैं ताकि आपको सिखाना है, ताकि आपको सिखाना आप सीख जाए। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जितने भी टेस्ट में सवाल आता है, टेस्ट वाले सवाल को जीके जीएस हो या मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो, सारे को बनाना है। जीके जीएस तो याद कर लेना, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वीडियो जाता है उसको समझ लीजिए, आप समझ के आप बनाइए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल नंबर पाँच पर आता है, पाँच नंबर सवाल का आता है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11, तो वही सवाल है ए अनुपात बी अनुपात सी, यही चीज़ चाहिए। आप उत्तर दीजिए इसका आंसर क्या होगा, सारे स्टूडेंट बना के आप बताएंगे कि आप बना सकते हैं इसको, क्या कमेंट बॉक्स में सारे को लिखेंगे कि आप इसको हल कर सकते हैं, क्या आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए बी का मान 7 है और बी का मान 6, तो यहाँ पर 7 है वहाँ पर 6 है, तो इसको पुराने के लिए इस 6 से गुना करेंगे 42 पुरेगा, इसको पुराने के लिए 7 से हम गुना करेंगे 42 पुर जाएगा। हम लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, लिखते हैं ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 42, 7 × 42, और बी का वैल्यू 42 हो गया, सी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 7, बस यही आंसर 30 42 7 कोई ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। पाँच का दो दिया, देखिए 30 42 7 हो गया, ये नन ऑफ दीज आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये गलत से लिखा गया, यह 5 का 4 हो जाएगा, 5 का 4। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हम देते हैं, अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल देखिएगा, इस सवाल को बनाना है। यह सवाल कहता क्या, ध्यान दिए, यह सवाल आपका कह रहा है 1/x सवाल नंबर 6, 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5, तो आपको पुराना है x अनुपात y अनुपात z, ये चाहिए। तो यानी कहने का मतलब बटा आपको हटाना है, तो बटा आपको हटाना है तो क्या करना है आपको, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि अगर आपके माथे पर कोई बोझ है, इस बोझ को हटाना चाहते तो क्या करते, दूसरे पर डाल देते तब तो आपको बोझ हल्का होगा। तो सेम वही कहानी का अप्लाई करना है कि अगर इस बटा को हटाने के लिए उस तरफ फेंक दीजिए ना, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी इस बटा को इस तरफ डाल दिए, तो हम लिखेंगे 1/2 1/3 1/4 बस 1/5 इसको लिख दिए, आंसर हो गया। लेकिन क्या इसको सीधा करना है, सीधा करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम होता लघुत्तम, 2 3 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 2 3 5 का लघुत्तम 30 हो जाएगा, तो 30 से गुना कर लेते हैं, 30 से गुना सभी में कर लेते हैं, 30 से गुना करते ये 15, ये 10, ये 6, बस यही रिजल्ट बनेगा, 15 10 6
1500 ऑप्शन नंबर दो है, यही आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया। समझ में आ गया। बस सिर्फ ध्यान देना है कि अपने बोझ को हल्का करने के लिए दूसरे पर डाल दीजिए, वो आपका रिजल्ट ही बना देगा और कुछ नहीं करेगा। चलिए सवाल नंबर 7 और 8 दोनों आपके स्क्रीन पर आ गया है, 7 और 8 दोनों को बनाते हैं, आप देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 7 और 8, 7 को हम लिखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है यहाँ पर 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये चाहिए तो कुछ नहीं करनी है, ये टाइप फिक्स होता है, ये टाइप बहुत ही आसान होता है, इसे बनाने के लिए आदमी सब इसको हल करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन आपको ट्रिक सिखाना है तो बहुत इजी प्रोसेस में हम सिखा देते हैं आपको बनाना कैसे। ध्यान दिए, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस बराबर को अनुपात में कन्वर्ट करना है। तो बराबर को अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए जो सीधा होगा बस टेढ़ा कर दीजिए, यह सीधा है 1/2 करने के, अनुपात 1/3, यहाँ 1/4, बस हो गया अनुपात बदल गया। अभी बटा को सीधा करने के लिए हम सिखाए थे एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 से आप गुना करिए, 12 से आप गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, बस ये 6, 4, 3 आंसर हो गया। 6, 4, 3 ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, 6, 4, 3 ऑप्शन, अच्छा हाँ 6, 4, 3 आपका ऑप्शन नंबर सी है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 7 का ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, यानी कहने का मतलब आपको बराबर को अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ बटा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल में 8 पर आइए, 8 को देखिए, 8 को समझिए। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 कहता क्या है, जो नए स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो हम डालें तो आप तक पहुँच सके। सवाल नंबर 8 कहता है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात से, ये चाहिए। तो अभी आपको बताइए कि जो सीधा होगा तो टेढ़ा कर दिए, जो टेढ़ा होगा तो सीधा कर लिया, आंसर हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, जो नीचे लिखा है बस उसी को लिख दीजिए आप, 3, 4, 5, बस यही आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया 3, 4, 5, ये आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है, 3, 4, 5 आपका आंसर हो गया, ये रिजल्ट हो गया और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना ही काम करना है। देखिए कितना आसान है, सवाल लगता है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम देते हैं, ये सवाल को बनाना है। सवाल नंबर 9 और 10 दोनों आ चुका है, सवाल नंबर 9 पहले लिखते हैं उसके बाद 10 पर आते हैं। सवाल नंबर 9 यहाँ पर कहता है, 9 नंबर सवाल बोला जा रहा है, ये a बराबर b/3 तथा b/c/2, तो a अनुपात b अनुपात से, ये चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, बटा कर लीजिए आप a/b, उधर से b ले आए कुछ नहीं है तो 1/3 हो गया, और यहाँ पर लिख सकते हैं b/c, नहीं कुछ तो 1/2। तो हमको बटा का मतलब समझ में आ रहा है कि 1/3 होगा, और यहाँ b/c, बटा का मतलब अनुपात होता है 1/2, यहाँ b का मान 3 है और b का मान 1 है, तो यहाँ पर 3 पुराना पड़ेगा, 3 पुराने के लिए कितने से गुना होगा, 3 से गुना होगा, तो हम लिखेंगे a/b/c, तो a का मान 1, b का मान 3 और b का मान 3 और c का मान 6, बस यह रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया, यह रिजल्ट हो जाएगा 1, 3, 6 आंसर हो गया, 1, 3, 6 ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में आ रहा है, 1, 3, 6 ऑप्शन नंबर 1 नंबर आ रहा है, वही आंसर हो गया 1, 3, 6, समझ में आ गया होगा। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन है, कितना आसान सॉल्यूशन है। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, सवाल नंबर 10 पर आते हैं, सवाल नंबर 10 पर आइए, 10 को समझिए। सवाल नंबर 10 आपका कहता क्या है, सवाल नंबर 10 यहां पर बोला जा रहा है, सवाल नंबर 10 यहां पर कहता है a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात से, ये चाहिए। कुछ नहीं करनी है, बस इसको हल कीजिए, a का मतलब गुना होता है 30%, मतलब 100 बराबर b का मतलब गुना 0.25, यहाँ पॉइंट उड़ा के बटा 100, c का 1/5, ऐसे ही बोल, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यदि यहाँ पर भी 100 रहता तो 100 कैंसिल हो जाता, तो 100 यहाँ गुना कर लेते हैं, 100 ऊपर भी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन का आसान करने के लिए। देखिए 100 सारे का कट गया, सब कट गया, इसको काटेंगे 20 बार में, ये कट गया। अब देखिए यहाँ 5 से काट सकते 6 बार में, 5 से काट सकते 5 बार में, 5 से काट सकते 4 बार, जो सब में कटेगा उसी को कटेगा 6 से बराबर 5b बराबर 4c, ये हो गया।
अभी आपको हमने सिखाया था कि अगर बराबर को अनुपात में कन्वर्ट करना है तो उल्टा देना है, सीधा को टेढ़ा कर लेना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एक वटा छः, एक वटा पाँच और एक वटा चार, बस से लिख दी। अब इसको सिर्फ और सीधा कर लिए, सीधा करने का तरीका भी बार बार हम सिखा रहे हैं कि नीचे वाला के एलसीएम लेके, एलसीएम लेके गुना कर लीजिए, सब में आपका आंसर हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट एलसीएम लेके गुना करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि कौन सा उत्तर आ रहा है। समझ में आ गया? तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल आपको देते हैं इस सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 पर आइए, 11 को देखिए आप। सवाल नंबर 11 कहता है, सवाल नंबर 11 बोला जा रहा है कि ए बटा तीन बराबर बी बटा चार बराबर सी बटा सात, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा सी इसका मान चाहिए। तो अभी तुरंत बोले कि यहाँ पर बराबर रहेगा और नीचे रहेगा तो अनुपात का वैल्यू हो जाएगा तीन अनुपात चार अनुपात सात, यानी ए का मान तीन, बी का मान चार और सी का मान सात। बस पुट कर लीजिए, यहाँ पर तीन होगा, चार होगा, सात होगा, बटा सी, सी का वैल्यू सात, इसको काटेंगे, सात चार ग्यारह, ग्यारह तीन, ग्यारह तीन चौदह, चौदह बटा टू, चौदह बटा सात इक्वल टू टू, यही रिजल्ट होगा, यही आंसर। इतना ही काम करना, सिर्फ मान को पुट कर लिया आंसर होगा। अगर जो लड़का तरीका जानता है तो ए का मान तीन, बी का मान चार और सी का मान सात, बस पुट कर लेगा आंसर होगा, आंसर तैयार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल रीजनिंग है, रीजनिंग पर आते हैं। रीजनिंग कहता है क्या ध्यान दिया, रीजनिंग यहां पर कह रहा है सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 कहता है आपका ए सी टी आई बी एक्टिव को लिखा गया ए भी आई, ए भी आई टी सी, तो आपको लिखना है डी ई एल आई एम आई टी, ये चाहिए। तो देखिए इसी चीज़ को उल्टा सीधा करके लिखा गया, तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः नंबरिंग कर दिए, तो एक में एक रहा, उसके बाद यहाँ पर दो नंबर, यहाँ पर क्या कर लिया, ये पहला नंबर पहला लिख दिया, उसके पाँच लिख दिया, आई आई देखिए चार नंबर पर, उसका टी टी देख लीजिए तीन नंबर पर, सी देख लीजिए दो नंबर पर और ई छः नंबर पर, ऐसा लिखा गया। तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर ली, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पर छः है तो छोबे है तो कोई दिक्कत नहीं, साथ है तो पहले एक नंबर लिखा तो डी हो गया, उसके पाँच नंबर, पाँच नंबर एम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ चार नंबर है, चार नंबर आई हो गया, फिर उसके बाद तीन नंबर है, तीन नंबर एल हो गया, फिर उसके बाद आगे चलते दो नंबर है, ई हो गया, फिर उसके बाद फिर क्या है छः नंबर, तो छः नंबर आई। तो इसी प्रकार से आपको आंसर बनाना है, इसी प्रकार से हल करना है, जो ऑप्शन में मिल गया वही आंसर हो जाएगा, सारे उसी प्रकार से दिया गया है, सारे सवाल को बना सकते हैं। रीजनिंग में तो कोई दम नहीं है, रीजनिंग में आप बनाइए, इसी तरह सबको हल कीजिए। 17 नंबर का था, जिस सवाल जिस प्रकार हवा का संबंध चक्रवात से, उसी प्रकार फुहारा का संबंध किससे होगा, छिड़काव से। ये सब चीज़ आपको समझ के याद करने का चीज़ है, जो समझाने लायक था हम समझा दिए, और जो रीजनिंग में है उसको याद कीजिए, यह याद करने वाला चीज़ है, ऑप्शन आंसर देख के आप याद कीजिए, आपका तैयार हो जाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे आते, तब तक के लिए ठीक से अंडर जय हिंद।